उमरिया जिले में इन दिनों कोरोना के मरीजों में दिनों दिन संख्या बढ़ रही है। तो वहीं एक नर्स एनसीयू से, एक ऑपरेशन थिएटर से, एक अस्पताल से वार्ड बॉय के पॉजिटिव आने से अस्पताल में हड़कंप मच गया है। उमरिया जिले में अब तक 112 पॉजिटिव केस हैं, जिनमें 2 की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव केस 40 हैं, जिसमें 70 लोग रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन जब उमरिया अस्पताल के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आने लगे तो अस्पताल में हड़कंप मच गया है। वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ने स्वास्थ्य विभाग की पूरी पोल खोल कर रख दी है। अब उमरिया CMHO ने से बात की गई तो सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही। वहीं पाली BMO को उमरिया कलेक्टर ने समझाइश दी है कि कोरोना से संबंधित मरीजों की देखरेख अच्छी तरह से की जाए। और बच्चों को अलग अलग रूम में शिफ्ट करके, क्योंकि वहां पे SNCO में जो बच्चे रहते हैं उनको ऑलरेडी प्रोटेक्टिव कवरिंग पहन के ही स्टाफ अंदर जाता है, सीधे नहीं छूटता है। तो बच्चों को अलग अलग करके रूम सैनिटाइज कर दिया गया था। और जो सिस्टर हैं उनको भर्ती कर दिया गया, उनके भाई को भर्ती कर दिया गया है। और सबकी सैंपलिंग की जा रही है, जो निगेटिव पाए जाएंगे उन्हीं की ड्यूटी लगेगी। एक वार्ड बॉय आज निगेटिव पॉजिटिव पाया गया तो उसको अलग कर देंगे, फिर इनके कॉन्टेक्ट देखेंगे। तो सबकी सैंपलिंग हो रही तभी तो पॉजिटिव एक वार्ड बॉय ही मिला है, और भी अभी लगातार सैंपल लगते जा रहे हैं। 2 मिनट में टाइम लगता है, जो पॉजिटिव मिलेंगे उनको अलग कर दिया जाएगा, ड्यूटी नहीं ली जाएगी। जी डॉक्टर साहब, पाली में एक अग्रवाल लड़का क्वारंटाइन है, मगर वो आरोप लगा रहा है कि ना हमको खाना मिल रहा ठीक से, नहीं हम लोग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो देखिए, कोविड में ट्रीटमेंट तो ऐसा कोई खास रहता नहीं है, तो आयुर्वेद का काढ़ा बट रहा है और दवाइयां मिल रही, बुखार वगैरह हो, कोई तकलीफ हो तभी दवाइयां दी जाती हैं। और खाने के लिए उचित निर्देश वहां के ब्लॉक मेडिकल अफसर को दे दिए गए हैं। कलेक्टर महोदय भी कर गए थे, मैं भी गया था। वैसे एक आदमी खाने पे कितना खर्च होता है लगभग 14 दिन में? अब 14 दिन में कितना खर्च होता है, पॉजिटिव का अभी जो नई गाइडलाइन आई है 300 रूपये पर डे का हम लोगों का प्रावधान जी हम लोगों को दिया गया है अभी। मगर वो अभी वीडियो जारी किया है लड़का एक, कल हम लोग गए थे, इस बारे में मीटिंग हुई है जी, और आगे DMO को दे दिया गया है, उचित निर्देश दे दिया गया जी। और क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि कम से कम लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, इनकी जांच रिपोर्ट जल्दी आए? लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है, कल SACL में भी मीटिंग हुई, MP में भी मीटिंग हुई, और मास्क पहन के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि इसमें तो और जैसे ही पता चले तो दूसरे को बताएं, क्योंकि इसमें क्या है कि चेन ब्रेक करना ही एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं। चेन ब्रेक नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, हाथ मिलाएंगे और हाथ नहीं धोएंगे, सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो फिर दिक्कत आएगी। लगातार जिला अस्पताल में लापरवाहियां देखी जा रही हैं? लापरवाहियां तो खैर नहीं है, लगातार लोग काम कर रहे हैं, दिन भर रात भर काम कर रहे हैं। अब पॉजिटिव आने का ये मतलब नहीं होता कि लगातार लापरवाही हो रही है। मेरा नाम धीरज अग्रवाल है, मेरे को यहाँ से 3 दिन हो गए हैं, मेरे को लाया गया था कोरोना पॉजिटिव बताकर, आज तीसरा दिन है, ना ही कोई दवाई दी जा रही है, ना ही कोई उपचार किया जा रहा है। तो इससे अच्छा मेरे को होम क्वारंटाइन ही कर दिया जाता, इससे अच्छा मैं घर पे ही अपनी दवाई कर लेता, पर यहाँ की लापरवाही की वजह से और यहाँ की शासन प्रशासन की वजह से मेरे को अगर कुछ भी होता है यहाँ पाली हॉस्पिटल में, इसकी जवाबदारी प्रशासन प्रशासन की ही होगी, क्योंकि मैं आया था यहाँ बिल्कुल स्वस्थ आया था, ना मेरे अंदर कोई सिम्टम्स थे, ना सर्दी थी, ना खांसी थी, ना कोई जुकाम था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही है। अभी 2 घंटे पहले से मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा पेन है, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल कर्मचारी है, कोई भी डॉक्टर अभी तक मेरे को देखने नहीं आए। मैं 2 से 3 बार जाके स्टाफ को सूचित किया कि मेरे बॉडी में पेन है, मेरे को पेन किलर दे दो, कुछ भी कर दो, कोई दवाई दे दो, कोई भी स्टाफ का यहाँ आदमी मेरे को देखभाल के लिए नहीं आ रहा है। इसीलिए यहाँ खाना खाओ, पड़े रहो, वो भी खाना भी ऐसे ही दिया जाता है नॉर्मल तरीके से, ना कोई डाइट है, ना कोई कुछ है, सब में हॉस्पिटल प्रबंधक पैसे बचाने में लगी हुई है, सिर्फ इनका फंड आए और लोग मरते रहे, उसे कोई उनको प्रभाव नहीं पड़ने वाला। धन्यवाद। अब इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी मेरे को अगर कुछ होता है तो।